नमस्कार भाई बहनों, मेरा नाम डॉक्टर आशीष कुमार मित्तल है। मैं एक कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट एंड डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ और मुझे इस फील्ड में 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। मैं यहाँ गुड़गांव में दिल्ली एनसीआर में प्रैक्टिस करता हूँ। भाइयों, आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आज हम मानिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। मानिया, इसको हिंदी में उन्माद की बीमारी भी कहते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि मानिया के लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहले, मानिया की बीमारी में पेशेंट बहुत ज़्यादा बोलने लग जाता है। वो कंटिन्यूस बोलता रहता है, उसका बोलने का अमाउंट भी ज़्यादा होता है और वो स्पीड में भी बोलता है। तो काफ़ी बार हम इसको बोलते हैं प्रेशर ऑफ स्पीच, कि पेशेंट जल्दी जल्दी इतना बोल देता है कि समझ में भी नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है। और एक हम इंडिया की बात करें, अपने भारत की, हिंदुस्तान की बात करें, तो यहाँ पे काफ़ी मानिया के मरीज इंग्लिश में बोलने लग जाते हैं। तो यूजुअली वो इंग्लिश में नहीं बोलते हैं, लेकिन मानिया आता है तो वो इंग्लिश में ज़्यादा बातें करने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे खुश होने लग जाते हैं, या किसी चीज़ पे थोड़ा ही खुश होना होता है, वो बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाते हैं और नाचने भी लग जाते हैं काफ़ी बार। उनको चमकीले कपड़े पहनने का ज़्यादा मन करता है, पैसे खर्च करने का ज़्यादा मन करता है और उनकी नींद कम हो जाती है और उनकी नींद की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है। पूरे दिन वो थके हुए, रात में बस 1-2 घंटे सोएंगे और फ्रेश हो जाएंगे और एक्टिव ज़्यादा हो जाते हैं। सुबह जल्दी उठ जाएंगे, लेडीज होती हैं, सुबह उठ जाती हैं, घर में कुछ ना कुछ काम करने में बिजी हो जाती हैं। वो मेल बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, सोशलाइजेशन बहुत ज़्यादा कर देते हैं, कि सब लोगों से मिलना जुलना चालू कर देते हैं लोग, और उनको बड़े बड़े विचार आने लग जाते हैं कि जैसे कि मैं कोई पॉलिटिशियन हूँ या मेरे पे बहुत सारा पैसा है, और वो उस तरह से व्यवहार भी करने लग जाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि मुझ में कोई भगवान का अवतार है या कुछ मुझ में भगवान की शक्तियाँ हैं, देवी की शक्ति है या हनुमान जी की शक्ति है या किसी भी देवी देवता की शक्ति है। लोगों में एनर्जी बहुत आ जाती है, अगर आप उनको कंट्रोल करना चाहें, किसी चीज से रोकें, तो वो थोड़ा गुस्से वाले हो जाते हैं, गुस्से वाले स्वभाव में हो जाते हैं। एनर्जी आने की वजह से आप उनको कुछ मना भी नहीं कर सकते और रोक भी नहीं सकते इस चीज, और उनको गुस्सा बहुत छोटी छोटी बातों में आ जाता है। वो खुश भी ज्यादा होते हैं और छोटी छोटी बात में अगर आप उनको रोकोगे तो वो गुस्सा भी ज्यादा करते हैं। और ऐसे मरीज काफ़ी बार शक भी करने लग जाते हैं कि मेरे में स्पेशल एबिलिटीज़ हैं तो दूसरे लोग मेरे से जलते हैं और मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं या मेरे बारे में बातें करते रहते हैं। बहुत से लोग नए नए प्लान बनाने लग जाते हैं, जैसे हमने देखा है कि लोग पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने लग जाते हैं, कि यूजुअली उनका कोई रुझान नहीं होता, लेकिन मानिया होने पर उनका पॉलिटिक्स में रुझान बढ़ जाता है, उनकी धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ जाती है, कि वो ज़्यादा भक्ति में लीन हो जाते हैं या धार्मिक गाने ज़्यादा गाने लग जाते हैं, या उनके जो टाइम है पूजा का वो बढ़ जाता है काफ़ी। काफ़ी लोग पैसे खर्च करने लग जाते हैं, लेडीज़ हैं वो ज्वेलरी अपनी बांट देती हैं किसी को, जेंट्स लोग पैसे बांट देते हैं, किसी को उधार दे देते हैं, या फिर कोई प्रॉपर्टी ज़्यादा खरीद लेते हैं, बिना यूज़ की चीज़ें लोग खरीदने लग जाते हैं, ज़्यादा प्रवृत्ति हो जाती है उन लोगों की। तो ये सारे लक्षण हैं जो कि मानिया की बीमारी में दिखते हैं। थॉट लेवल पे हम बात करें तो पेशेंट के थॉट का फ्लो बढ़ जाता है, जिनको हम बोलते हैं फ्लाइट ऑफ आइडियाज, कि पेशेंट के दिमाग में एक के पीछे एक थॉट और स्पीड से थॉट आता चला जाता है, जिसकी वजह से वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं। अब सपोज करिए कि किसी कार की क्षमता है कि वो 100 किलोमीटर पर आवर कंफर्टेबली चल सकती है, तो सेम कार को अगर हम 500 की स्पीड से दौड़ाएंगे तो वो कार डैमेज हो जाएगी। सेम वे में ब्रेन की स्पीड से, जो नॉर्मल स्पीड है, ब्रेन उससे ज्यादा काम करने लग जाता है। तो इसीलिए मानिया की अवस्था पेशेंट के लिए हानिकारक है। और अगर हम इसकी वजह देखें तो इसकी वजह है न्यूरोट्रांसमीटर इंबैलेंस ब्रेन में। तो यूजुअली ऐसे पेशेंट में देखा गया है कि डोपामिन जो केमिकल होता है उसका फ्लो दिमाग में थोड़ा बढ़ जाता है। अब इसकी वजह से हमें कुछ प्रिकॉशन रखने होते हैं मरीज के, जैसे कि अगर वो जॉब कर रहा है, अगर पेशेंट ऐसी हरकतें जॉब पे करेगा तो जॉब पे लोगों को पता चल जाएगा कि इसको कोई परेशानी है, तो उसकी जॉब में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर वो व्यवसाय कर रहा है तो वो कुछ उल्टे सीधे ट्रांजेक्शन कर देगा अपने व्यवसाय में, जिससे उसको हानि हो सकती है, तो उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। पेशेंट खर्चीले ज़्यादा हो जाता है तो हमें उसके ट्रांजेक्शन को मॉनिटर करना पड़ेगा कि वो पैसा कहाँ कितना खर्च कर रहा है। लोग क्रेडिट कार्ड बहुत यूज करने लग जाते हैं ऐसी फेज में, तो उनके खर्चों पे कंट्रोल करने की जरूरत होती है, और ऐसी फेज में हमें
अगर पेशेंट को ऐसी फेज है तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट को हम डॉक्टर के पास ले जाएं। काफी बार पेशेंट राजी नहीं होते डॉक्टर के पास, तो ऐसे में आप खुद जाके डॉक्टर से मिल रहे कि हमारा ये पेशेंट है, ऐसे ऐसे तकलीफ है, तो वो डॉक्टर आपको कुछ ना कुछ रास्ता बताए कि क्या करना चाहिए, आप पेशेंट को एडमिट कराना चाहिए। तो एटलीस्ट पेशेंट से मिलना, हाँ पेशेंट ना हो तो डॉक्टर से आपको अकेले मिलना चाहिए। अब ऐसे में ट्रीटमेंट में क्या करना चाहिए, तो वैसे तो मैनिया अगर देखें, अगर ट्रीटमेंट इसका ना भी कराएं तो 3 से 6 महीने में मैनिया की अवस्था अपने आप ही खत्म हो जाती है। लेकिन 3 से 6 महीने गुजारना बहुत मुश्किल होता है पेशेंट के लिए भी और उसके घर वालों के लिए, जिसमें कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो जब पहले के जमानों में दवाई नहीं होती थी तो ऐसी अवस्था में लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करा देते थे और फिर कुछ समय के बाद वो ठीक हो जाते थे, लोग उनको डिस्चार्ज करा देते थे। लेकिन अब तो दवाइयां हैं कि मरीज घर पे रहकर भी ठीक रह सकते हैं, और जो मरीज कंट्रोल नहीं हो पाते दवाइयों से या जिनकी मैनिया की अवस्था बहुत ज्यादा ही उग्र है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, वो अपने लिए हार्मफुल या दूसरों के लिए हार्मफुल हो गए हैं या दवाई बिल्कुल ले ही नहीं रहे हैं, ऐसे पेशेंटों को एडमिट कराने की जरूरत होती है। जहां तक दवाइयों की बात करें तो ऐसे मरीज को कुछ दवाइयां दी जाती है जिनको बोलते हैं मूड स्टेबलाइजर, जो कि मूड को स्टेबल करती है। कुछ एंटीसाइकोटिक मेडिसिन होती है जो पेशेंट का एग्रेशन कम करती है, और लक्षणों के हिसाब से पेशेंट को कुछ नींद की दवाइयां भी दी जाती है जिससे इनको प्रॉपर नींद आने लगे। मैनिया का मरीज 2 से 4 हफ्ते में रेस्पॉन्स करने लग जाता है ट्रीटमेंट के बाद, और उसका इलाज थोड़ा लंबा चलता है। अगर मैनिया पहली बार हुआ है तो ऐसे मरीजों का इलाज 9 से 12 महीने चलता है। अगर ये एपिसोड बार बार आ रहे हैं तो ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन डिपेंड करती है कि उसको पेशेंट को टोटल कितने एपिसोड आ गए हैं, मैनिया के कितने एपिसोड आ गए हैं, और पेशेंट को, क्योंकि ऐसे लोग बाइपोलर डिसऑर्डर कहे जाते हैं तो उसमें ये भी देखा जाता है कि डिप्रेशन के एपिसोड कितने आ गए, किस फ्रीक्वेंसी से एपिसोड आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट ड्यूरेशन डिपेंड करती है। लेकिन मिनिमम एक अगर मैनिया का एपिसोड आया है तो 9 से 12 महीने का ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो भाइयों, आज हमने मैनिया के बारे में डिस्कस किया कि मैनिया की बीमारी के लक्षण क्या होते हैं, वो क्यों होती है, उसमें क्या वजह होती है उसकी, उसका ट्रीटमेंट क्या है, और हम उससे कितने दिन ट्रीटमेंट चलता है। भाई अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे लिखे सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार।